दोस्तों आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन का ये गोभी की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस लगता है और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छा गढ़ा बन के रेडी होगा। इसमें मैं एक सीक्रेट चीज़ मिलाऊंगी, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वेलकम बैक टू माई चैनल पिंग्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। वीडियो पसंद आए तो दर्शन लहसुन कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आलू और गोभी को मैं इस तरह काट ली हूँ और काट के अच्छे से धो के रख दी हूँ। और मैं यहाँ पर मसाले के लिए ली हूँ धनिया, और यहाँ पर ली हूँ दालचीनी, लौंग, एक बड़ी इलायच ली हूँ, मूँगफली ली हूँ और जीरा थोड़ा सा ली हूँ एक चम्मच जितना, धनिया ली हूँ दो चम्मच, और यहाँ पर यहाँ पर ली हूँ टमाटर और इसे मैं कट कर ली हूँ। इसे चलिए ग्राइंडिंग करके ले आते हैं। यहाँ पर मैं कढ़ाई बैठा ली हूँ जिसमें मैं दे दी हूँ 4-5 जितना टेबल स्पून जितना तेल दे दी हूँ। और अब मैं इसमें ये जो आलू और गोभी को डाल के इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे ताकि ये जब फ्राई होकर निकले तो थोड़ा सा कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार इसे मिला के हम थोड़ा सा चला लेंगे और इसे बिना ढके ही ऐसे ही हमें इसे पकाना है थोड़ी देर। इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाइएगा। तो यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम में पका ली हूँ, आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं और चलिए इसमें फिर और थोड़ा सा तेल दे देंगे, 4-5 टेबल स्पून जितना तेल दे देंगे। और फिर हमें तेल देने के बाद यहाँ पर इसमें डालेंगे 8-10 करी पत्ता मैं यहाँ पर ली हूँ, इसे तोड़ के हम डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और फिर हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच जितना डाल रहे हूँ जीरा, और थोड़ा सा 2 पिंच जितना डालेंगे यहाँ पर मैं हींग डाली हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, बस डाल रहे हैं हमें इसमें लाल मिर्च, यहाँ पर मैं काश्मीर लाल मिर्च का यूज़ की हूँ, इससे कलर अच्छा आ जाता है। अब चलिए हम डाल देते हैं जो मसाले को पीस के लेके आए हैं, और मसाले डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम उसी मसाला जार में और 4-5 जितना टेबल स्पून जितना पानी दे देंगे और इसे इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हम चलिए इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, बस नमक डालना है जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डालना है। हम पहले से ही थोड़ा सा गोभी में डाले थे तो आप उसी हिसाब से देख के डालिएगा। और थोड़ा सा हल्दी भी पाउडर डाल के इसे मिक्स कर ली हूँ मैं। और फिर हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच जितना, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला 1 चम्मच डाली हूँ। तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मसाला पकते हुए थोड़ी देर हो गया है, देखिए मसाला अच्छे से पक गया है और तेल भी अच्छे से निकल आ रहा है। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप इतना दही डाली हूँ, तो इसे डालिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा लगता है ग्रेवी में डालने से। और यहाँ पर डालने के बाद दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर फ्लेम को आपको बिल्कुल लो कर लेना है, नहीं तो दही फटने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पर देखिए दही को डालने के बाद और इसे हम मिला लेंगे और इसे अच्छे से और थोड़ी देर पकने के लिए 3-4 मिनट बस पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर दही हमारा देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले के साथ, और मसाला भी अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं सारे जो हमने गोभी और आलू को फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। गोभी और आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मसाले के साथ मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 कप जितना मैं पानी दे रही हूँ, ये पानी में गर्म पानी ही ली हूँ। और यहाँ पर अब हम इसे ढक के पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है, क्योंकि आलू और गोभी हमारा थोड़ा सा पका ही नहीं था, बस ऐसे ही हमने फ्राई कर लिए थे इसे, तो इसलिए थोड़ा सा हमें पकाना है इसे। तो यहाँ पर देखिए आलू अच्छे से थोड़ा थोड़ा पक गया है, देखिए मैश भी अच्छे से हो रहा है, बस थोड़ा सा और बच गया है जिसे हम पानी दे के अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोभी भी अच्छे से पक गया है, मसाला अच्छे से गोभी और आलू के साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी दे देंगे, तो मैं वही उबला हुआ पानी ही रखी थी, अब मैं यहाँ पर इसमें डाल दूंगी और आप अपने हिसाब से पानी यहाँ पर ऐड कीजिएगा। और पानी देने के बाद अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, देखिए इसे पकने के लिए आधे छोड़ दी हूँ। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक सीक्रेट चीज़ जो मैंने बताई थी, यहाँ पर 1 चम्मच ली हूँ बेसन, और यहाँ पर मैं पानी देती हूँ 2 चम्मच। अब हम मैं इसे मिक्स कर ली हूँ अच्छे से, और यहाँ पर देखिए आलू और मसाला अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये बेसन का पेस्ट बनाए थे अब हम इसमें डाल देंगे, और इसमें मैं डाल ली हूँ देखिए थोड़ा सा लाल मिर्च, यहाँ पर मैं काश्मीर लाल मिर्ची का यूज़ की हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए। और इसमें डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे।
ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम बस 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए बस इसे छोड़ देना है। तो हमें इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स गोभी को पकते हुए थोड़ी देर हो गया है, 3-4 मिनट हो गया है। अब चलिए मैं इसे देख के निकाल ली हूँ, गैस को बंद कर दी हूँ और इसे हमें 5 मिनट के लिए कवर करके भी रख दी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी इसे सर्व कर रही हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है, टेक्सचर आया है और आप इसे जितना देर रखेंगे उतना देर आप ये देखेंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, तो बेसन अच्छे से पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रेवी हमारा बहुत ही गाढ़ा बनके रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर